नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थुरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में रविवार को वोट डाले गए। इस दौरान मतदाताओं में काफी जोश नजर आया। प्रयागराज से इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पीठ में फ्रैक्चर के बावजूद एक बुजुर्ग महिला वोट देने पहुंची। महिला की पीठ में फ्रैक्चर हुआ है, लिहाजा वो चल फिर नहीं सकती, लेकिन वोट देना तो जरूरी है। ऐसे में महिला को स्ट्रेचर पर मतदान केंद्र लाया गया, जहां महिला ने मतदान किया। वोट डालने के बाद बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे ऐसे ही आना पड़ा क्योंकि मेरी पीठ में फ्रैक्चर है, लेकिन मैं वोट को बेकार नहीं जाने दे सकती थी। आपको बता दें, रविवार को पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिलों में मतदान संपन्न हुआ है। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पांचवें चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब छठवें और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां करने पहुंच रहे हैं। 27 फरवरी से 4 मार्च तक पीएम मोदी की जनसभाएं हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव छठे चरण में 56 सीटों पर चुनाव होगा। 3 मार्च को 10 जिलों में वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, देवरिया और बलिया में वोटिंग होगी। 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।